हे YouTube फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी जंक्शन वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं मावे की गुजिया। मावे की गुजिया बनाने के लिए चाहिए होगा कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू, किशमिश, कसा हुआ नारियल सूखा, 3 कप मैदा और मोयन के लिए तेल, सूजी, मावा, जायफल पाउडर। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले आप एक परात ले लो और उसमें मैदा डालो। मैदे के अंदर मोयन डालेंगे, जो घी ऑयल जो भी अपन लेते हैं, घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं, और उसको अच्छे से मिक्स कर लो। पूरे आटे में तेलियों की सहायता से पूरा एक सार करना है, जैसे कि बिल्कुल मिक्स हो जाए पूरा पाउडर की तरह, भाई कहीं पे भी गांठे वांठे ना रहे और कहीं पे ऐसे लगे नहीं कि कहीं पे लगा है मोइन कहीं पे नहीं लगा। पूरे हथेलियों से पूरा मिक्स कर लो अच्छे से। अब देखो मैं कर रही हूँ, वैसे आप भी करना। अब अपन हथेली में लेके एक मुट्ठी बनाएंगे तो वो एक साथ मुट्ठी की तरह लड्डू की तरह बन जाएगा, तो आप मान लो कि पूरा मोइन परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी लेना है, एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो आटा बहुत गीला हो जाएगा तो आपकी गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। बहुत ही टाइट बनाना है आटे को, ज़्यादा टाइट भी नहीं कि बिले ही नहीं अपने से, इतना सॉफ्ट और अच्छा बनाना, मतलब कि रोटियों के आटे से थोड़ा सा टाइट, क्योंकि पानी बहुत ही कम लगेगा, इसमें मोइन डाला हुआ है। आप देख रहे हो मैं कैसे कर रही हूं, इसी तरह से आप भी बनाना और करना। अब एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें अपने जो सूजी और जो लिया था घी उसको फ्राई करेंगे। सूजी को हल्का सा सेकेंगे, ज्यादा घी भी नहीं डालना है, बस इतना कि अपनी सूजी सिक जाए, उसमें सूखी सूखी भी नहीं रहे और ज्यादा गीली भी ना हो। इसको हिलाते रहना है चम्मच या पलटा जो भी आपके पास हो, नहीं छोड़ देंगे तो ये जल जाएगी। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जो बादाम, काजू, किशमिश, नारियल पाउडर जो भी अपन ने लिया था, और अच्छे से इसको हल्का सा भुनेंगे। सेकने से इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर कच्चे डाल देते हैं तो उसमें टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है और अच्छा नहीं लगता। नारियल को भी थोड़ा सा पकाएंगे, इसी मसाले में फ्राई कर लेंगे सभी चीजों को। अब ये अपने फ्राई हो चुके हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, प्लेट या दोने में जैसे भी आपके पास हो। अब आप देखिए पूरे हो गए हैं। अब ये मावा है, मावे को भी हल्का सा गर्म करेंगे, ज्यादा नहीं। जैसे ये ऑयल घी छोड़ने लग जाएगा मावा उतार लेंगे, बस इसको मिक्स करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि मावा तो आप जानते ही हो पका हुआ ही होता है। अब ये जलने लग जाएगा ज़्यादा सेकेंगे तो, इसलिए इसको अभी उतार लेंगे। अब इसी जो फिलिंग बनाई थी अब ये सारी मिक्स करेंगे। अब इसमें बूरा डालेंगे, आपके पास बूरा नहीं हो तो आप चीनी पीस के भी डाल सकते हो शुगर पाउडर बना के। अब जायफल पाउडर भी इसमें मिक्स कर देंगे और ये सारे एक अपनी फिलिंग तैयार हो जाएगी गुजिया में भरने के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब देखो होने लग गई ना मिक्स, और एक हथेली से अच्छे से कर दो ताकि बिल्कुल भी
अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो कहीं भी ऐसे नहीं लगेगा कहीं चिन्नी आ रही है, कहीं पे सूजी आ रही है। अब ये अपना मिक्स हो गया है। अब गुजिया बनाने के लिए जो अपन ने आटा तैयार करके रखा था उसके छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। जैसे रोटियां बनाते हैं उसी पेड़ों की तरह छोटी छोटी लोइयां बना के रख लेंगे, छोटे छोटे डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि इसमें मोयन है तो ये अपने हाथ में भी नहीं चिपकेगा, अगर आपके में थोड़ा कम ज्यादा हो तो आप हथेली में भी ऑयल लेके और कर सकते हो। अब इसको बेलन की सहायता से और अच्छे से पूड़ियों की तरह बेल बेल के रख लेंगे पहले। अब देखो मैंने सारी पूड़ियां बेल ली है। अब मेरे पास जो गुंजे बनाने का एक सांचा है मैं उससे बना रही हूँ, आप हाथ से भी बना सकते हो और ये मार्केट में कहीं भी मिल जाता है। जैसे आप जाओ तो बर्तनों की दुकान पे भी मिल जाएगा आपको, कोई ठेले पे भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। अब ये फिलिंग है जो मैं इसके अंदर भर रही हूँ और इस डब्बी को दबा दबा के अच्छे से बंद कर देंगे और बीच में थोड़ा सा जो मैदा मैंने लिक्विड बनाया उससे चिपकाएंगे। अगर उससे नहीं चिपकाएंगे तो ये जैसे ही ऑयल में डालेंगे ये खुल जाएंगे और अपना पूरे ऑयल में बिखर जाएंगे, ऑयल या घी जो भी अपन लेंगे। ये देखो मैं लगा रही हूँ इसके साइड में, इससे क्या है कि ये बिल्कुल चिपक जाएगा और अपना सील पैक हो जाएगा, खुलेगा नहीं ऑयल में। और इसमें जितना आए उतना ही डालना है, एक चम्मच आए या आधी चम्मच आए, उससे ज़्यादा डालोगे तो ये फट जाएगा। और साइड का जो आटा निकलता है उसके फिर अपन लोइयां बना के दूसरे गुंजे में ले लेंगे, जितना एक्स्ट्रा होता है वो निकाल लें। अब देखो मेरी सारी गुजिया तैयार है और मैं ऑयल वो कढ़ाई में ऑयल डाल के और उसमें फ्राई कर रही हूँ। इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ फ्राई करना ताकि एक जैसे तले और ठंडा ऑयल में, मतलब गुनगुना हो तभी डालना, तेज में नहीं। जैसे ही खूब तेज अगर फ्लेम कर देंगे तो ये ऊपर ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो मीडियम पे ही रखना गैस को। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है पर अच्छे बनते हैं, हाई फ्लेम पे कभी मत पकाना, मीडियम गैस ही रखना है इस पे कि ये अंदर से अच्छे से पक जाए और गोल्डन ब्राउन हो जाए। और इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है ताकि ये ऊपर नीचे से दोनों साइड से सिकते रहे, नहीं तो एक साइड सिक जाएंगे एक साइड कच्चे रह जाएंगे। आप देख रहे हो मैं कैसे कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही बनाना। अब देखो थोड़ा थोड़ा सिकने लगा है। अब थोड़ी सी गैस थोड़ी सी तेज कर देना लास्ट में। अब ये फूल गए हैं पूरे। अब वो इसको हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं, नहीं तो एक तरफ से जल जाएंगे एक तरफ से कच्चे रह जाएंगे। अब गैस को थोड़ा तेज कर दिया मैंने। इसको छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना बीच बीच में।
अब देखो अपने गुजिया बिल्कुल तैयार है। अब इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। पूरा ऑयल उसी में झाड़ देना ताकि बाहर नहीं आए दूसरे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम हफ्ते में 3 इससे भी ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।